भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के घर का सपना तो सच हो ही रहा है, मध्यम वर्ग के घर की चिंता भी पहली बार सरकार ने की है। सरकार मध्यम वर्ग के घरों के लिए नई कैटेगरी बनाकर होम लोन पर ब्याज में छूट भी दे रही है। 18 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले साथियों के लिए होम लोन में छूट दी जा रही है। अगर किसी ने 20 लाख रुपए तक का होम लोन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिया है तो जब तक वो पूरा लोन चुकाएगा तब तक उसको 5 से 6 लाख रुपए की बचत होना ही तय है। साथियों, इस बजट में मध्यम वर्ग के घरों से जुड़ी बचत को हमने और विस्तार दिया है। कई बार शहरों में बच्चों की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के कारणों से 2 घर खरीदे जाते हैं। ऐसे में सरकार ने अब यह तय किया है कि दूसरे घर के नॉमिनल किराए पर जो टैक्स लगता था वो टैक्स अब नहीं लगेगा। यानी अब बिना दूसरे घर की रेंटल इनकम पर टैक्स की चिंता किए बिना आप अपना दूसरा घर खरीद पाएंगे। इसी तरह जो लोग अपना घर बेच रहे हैं और घर बेचने के बाद अगर मानो उन्हें 2 करोड़ से कम रुपए मिले हैं और ऐसे लोग अगर 2 अलग अलग छोटे घरों में वही पैसा निवेश करते हैं तो भी उन्हें आयकर से छूट दी जाएगी। साथियों, मध्यम वर्ग के मेरे भाइयों और बहनों के लिए और आय का एक बहुत बड़ा जरिया रेंटल इनकम भी होता है। अब सरकार ने ये भी तय किया है कि किराए से जो आमदनी हो रही है उस पर टैक्स कटौती की सीमा को अभी से 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए कर दिया गया है। साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये कि इतिहास में पहली बार 5 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इससे हुबली धारवाड़ के कर्नाटका के लाखों युवा साथियों को भी लाभ होने वाला है, क्योंकि अधिकतर युवा इसी इनकम ग्रुप में आते हैं।